गाइस आज हम बात करेंगे उत्तराखंड यानी उत्तर प्रदेश का एक खंड हिस्सा। उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है जो कि सन 2000 में अस्तित्व में आया। कई वर्षों के आंदोलन के बाद उत्तर प्रदेश के उत्तरी छोर पहाड़ी छोर को काटकर उत्तरांचल राज्य बनाया गया। सन 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता रहा, लेकिन बाद में 2006 में इसे उत्तराखंड के नाम से जाना जाने लगा। उत्तराखंड को देवभूमि, तपोभूमि इत्यादि नामों से जाना जाता है। उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल देश की सीमा लगी हुई है। इसके पश्चिम उत्तर में हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश स्थित हैं। दोस्तों उत्तराखंड में बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं, तीर्थ स्थान हैं। इसी प्रदेश से माँ गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है जो कि क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री से निकलती हैं। इन्हीं नदियों के तटों पर बसे कई वैदिक संस्कृति के तीर्थ धाम हैं। उत्तराखंड हिमालय पर्वत के आंचल में बसा होने के कारण लगभग पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र में है। यहाँ 12 महीने तापमान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में काफ़ी कम होता है। कई दुर्गम स्थल ऐसे हैं जहां बरसात और सर्दी के मौसम में जाना असंभव होता है, लेकिन इन्हीं दुर्गम स्थानों पर हिंदू आस्था के प्राण बसते हैं। साथियों हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, हिंदू अपने जीवन काल में इन जगहों पर इन स्थानों का भ्रमण दर्शन अवश्य करना चाहता है। भारत का हर वो हिंदू इन स्थानों पर जाकर एक बार जरूर तीर्थ यात्रा करना चाहता है। उत्तराखंड की जनसंख्या करीब 25 करोड़ के आसपास है। देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। वह प्रदेश का सबसे बड़ा जिला शहर है। उत्तराखंड को लोग धरती का पवित्र नगरी देवभूमि भी कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया देहरादून अभी यहाँ की अस्थायी राजधानी है, लेकिन भविष्य में गैरसैंण नामक एक छोटे से कस्बे को यहाँ की राजधानी बनाने पर विचार किया जा रहा है और ये प्रस्तावित किया गया है। राज्य का उच्च न्यायालय अभी नैनीताल में है, इसलिए नैनीताल भी यहाँ प्रशासनिक राजधानी। उत्तराखंड का इतिहास, बहुत पहले यहाँ राजा कुबेर शासन हुआ करता था। यह हिमालय पर्वत का उत्तरी भाग जहाँ गंधर्व, यक्ष, किन्नर जातियों की सृष्टि हुई। उस समय राजा कुबेर के आश्रम में हूण, शक, नाग, खस आदि जातियाँ भी हिमालय में के एक क्षेत्र में रहती थी। इस देवभूमि तपोभूमि का पूरा क्षेत्र श्रीनगर, हिमाचल सब एक राजा की रियासत हुआ करती। बाद में अंग्रेजों ने इसे एक बार अलग अलग क्षेत्र बना दिया। साथियों उत्तराखंड में 3 मंडल बनाए गए हैं, कुमायूं, गढ़वाल और गैरसैंण। कुमायूं मंडल में 4 जिले हैं, उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़। वहीं गढ़वाल मंडल 5 जिले हैं, उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार। गैरसैंण मंडल में 4 जिले हैं, अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। इन जिलों के अलावा भी कई बड़े नगर जैसे हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, रुड़की, ऋषिकेश, कोटद्वार, मसूरी, गोपेश्वर, श्रीनगर, रानीखेत, खटीमा, जोशीमठ, बागेश्वर, ये ऐसे स्थान हैं जो कि अपने आप में उत्तराखंड की पहचान बनाते हैं और ये टूरिस्ट प्लेस भी। उत्तराखंड का ज़्यादातर क्षेत्र बर्फ़ की चादर से ढका होता है, बाकी बचा क्षेत्र घने वनों वाला है। अनेक तरह के पौधे और जड़ी बूटियाँ यहाँ के वन पर्वत में मिलते हैं। उत्तराखंड में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं जैसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, यूनेस्को विश्व धरोहर, राजाजी राष्ट्रीय अभ्यारण्य, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान इत्यादि। इस प्रदेश की नदियां भारतीय संस्कृति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उत्तराखंड अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। इन नदियों के किनारे अनेक धार्मिक व सांस्कृतिक केंद्र स्थापित। प्रदेश में बहुत सारी झीलें हैं जैसे गौरीकुंड, नैनीताल, भीमताल इत्यादि। यहाँ की भाषा क्षेत्रीय है, हिंदी, संस्कृति, ब्रिज भाषा, गढ़वाली, कुमाऊनी आदि भाषाएं बोली जाती। उत्तराखंड खनिज पदार्थों का भी, उत्तराखंड में बहुत सारे खनिज पदार्थ मिलते हैं। यहाँ की मिट्टी से रोजगार के क्षेत्र में कई छोटी बड़ी कंपनियां, साथ ही टूरिज्म के क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिला हुआ है। उत्तराखंड रेल, सड़क एवं वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। कुछ स्थानों को छोड़कर अब आना जाना आसान हो गया है। रेलवे का काम काफ़ी हद तक समतल एरिया कवर कर चुका। पर्यटन के क्षेत्र में केदारनाथ, नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, बद्रीनाथ, औली, रानीखेत, अल्मोड़ा, ऋषिकेश, भीमताल इत्यादि काफ़ी फेमस। साथियों उत्तराखंड कई सारी आपदाएं झेल चुका है और साल दर साल ये आपदाएं आती रहती हैं। बड़ी बड़ी आपदाएं, कभी लैंडस्लाइड बात हो, कहीं बादल फटने की बात हो, तो बहुत सारी त्रासदियाँ झेल रहा है उत्तराखंड। फिर कहते हैं कि ये देवभूमि है, तपोभूमि है, तो ऐसे अनेकों अनेक ऋषि मुनि और बड़े बड़े धार्मिक लोगों का यहाँ केंद्र बना हुआ है। देश का हर नागरिक, मैं तो कहूँगा विदेश का, हिंदू या गैर हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हर एक बार अपने जीवन काल में इस उत्तराखंड की धरती पर एक बार जरूर जाना चाहता है, पवित्र भूमि का दर्शन करना चाहता है, इन तीर्थ धामों में अपना मस्तक झुकाना चाहता है। बने रहिए चैनल फाइंड डोज पर। चैनल फाइंड डोज पर ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए
चैनल फाइन डोज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक अवश्य करें क्योंकि इससे ही आपके लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम प्रेरित होते हैं अच्छे वीडियोस बनाने के। धन्यवाद। सेफ रहिए, सुरक्षित।